नव संकल्प रैली दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर मौजूद हूं मैं। दुष्यंत चौटाला बीजेपी ने बाहर कर दियो, दुष्यंत आम बीजेपी कहती है क्षेत्रीय पार्टी अलग मामले खत्म कर दिए। दुष्यंत का जो खून है ना वो चौक दीवार का खून है और वो खून इतना मजबूत है कि दुष्यंत को बीजेपी खत्म नहीं कर सकती। ये जो बीजेपी वाले है ना ये तो तानाशाह हैं, मक्कार हैं। समझौता रखा दुष्यंत के साथ, ईवीओ का एक सीट को नहीं, एलनाबाद की भी को नहीं, गोहाना की भी को नहीं, राज्यसभा की सीट भी को नहीं, ईवीओ को नहीं। क्यों ढंग से रहा यो राजनीति करेगा, प्रदेश का सीएम भी बनेगा। ना घर का रहा ना घाट का रहा, 4.5 साल बाद बीजेपी ने बाहर निकाल दिया। हमारा टारगेट एक है, बीजेपी ने ना 24 में यो मोदी आउट हो। छोरा साथी तो बुंडी कर दी, कौन करी बुंडी? लड़ाई लड़ांगा, देवीलाल खून है यो, देवीलाल का खून है, लड़ाई लड़ांगा, संघर्ष करांगा और आखिरी सांस तक ये सारा दुष्यंत से तिरांगा, उन सीम बनाई जुटांगा। बीजेपी में जाकर इसने गलती करी, जो गलती की सजा इसने मिली। हरियाणा की जनता के पास एक ही ऑप्शन है, बीजेपी को इन काले अंग्रेजों को बाहर काटने के लिए इंडिया गठबंधन में आओ, और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं भाई। मोदी नहीं बाजीगर है, अपने आप कुर्सी खातिर कुछ भी रोल कर सका यो, क्यों बाजीगर की तबाशा करेगा नहीं, वो रोल तो करेगा रहेगा। अब की बार लोगों ने मन बना लिया, 10 सीट नहीं 15 सीट नहीं पूरी 46 सीट दुष्यंत चौटाला जी को देकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। दुष्यंत जी से पूरे जो विपक्षी हैं, चाहे वो बीजेपी के साथी हो, वो भी डरे हुए हैं भाई, ये मुख्यमंत्री बन गया तो दूसरे का नंबर नहीं है। ये जो आज की रैली है उससे एक बिगुल हो गया है, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो 5 MLA कोतंबर के बाजे हैं, जो ग्राम सियाकपुर के बाजे हैं, उनको तो जनता गम में नहीं पड़ने देगी। दुष्यंत चौटाला आने वाले मुख्यमंत्री होंगे और इनकी लंबी राजनीति है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ कुछ लोग और बने हुए हैं, नव संकल्प रैली दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर मौजूद हूं मैं और रेड क्रॉस मैदान है, अंदर रैली का नजारा भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बाबा से जानते हैं कहाँ से आए हैं। बाबा कहाँ से पहुंचे? फरीदपुर। कितने लोग आए हो आप? बल शाम में तो 50-60 आदमी है, एक गाड़ी में, एक गाड़ी में बस है, तीन बस आई है, तीन बस भर के आई है और भी आई होंगी। बाबा के इलाके से दुष्यंत चौटाला बीजेपी ने बाहर कर दियो, गलत है ये? गलत है, हम है बढ़िया लागे से थे को गुलाना में कि न्यू आए हो आप जीते क्या तो कुछ पांच छह दो बार यू बना रखे उदाहरण का हमने दो बार हमने कलाना है फिर काम भी होया काम भी करे से काम करे से तो अच्छा लगे। दूसरे छोटा एक 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 चीज बताओ अब के खास खजी तो काम से ठीक से जब अकमस है मजदूर कर जमींदार का सबका है। हाँ सबकी बात सुनता है मतलब है सबकी बात सुनता है। बीजेपी तो बड़ो खेलो कर दियो बाबा, दुष्यंत चौटाला के साथ क्या कहोगा बाबा? जड़ा दुष्यंत तो आम, जड़ा दुष्यंत आम। बाबा कितनी उम्र होगी? 83 साल। 83 साल में बाबा को जोश देख लिए, जहाँ दुष्यंत वहाँ आम। सही है जी। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, ये नया सिरा तो घर बसाया दुष्यंत ने कि मैं गाड़ी पार लाग जागी कि लाग गई लाग गई बीजेपी न्यू का है एक सीट भी नहीं आउट न्यू कनिया के मुंह पकड़े दे से बीजेपी आप पे कर आप पे बन जियो दुष्यंत का पक्का है। क्यों जी भाई साहब? क्या बीजेपी कहती है क्षेत्रीय पार्टी अलग मामले खत्म करती है? ऐसा है, दुष्यंत का जो खून है ना वो चौक दीवार का खून है और वो खून इतना मजबूत है कि दुष्यंत को बीजेपी खत्म नहीं कर सकती। सेकंड, ये जो बीजेपी वाले हैं ना ये तो तानाशाह हैं, मक्कार हैं। मोदी जो है ना मक्कार है, तानाशाह है, हमारा पैसा बढ़िया लुटा हुआ है अडानी मणि ने। समझौता रखा दुष्यंत के साथ, ईवीओ का एक सीट को नहीं, एलनाबाद की भी को नहीं, गोहाना की भी को नहीं, राज्यसभा की सीट भी को नहीं, ईवीओ को नहीं, ईवीओ को नहीं। क्यों ढंग से रहा हुआ यो राजनीति करेगा, प्रदेश का सीएम भी बनेगा। और एक और ये मक्कार लोग हैं बीजेपी वाला,
मोदी मकार है, बीजेपी मकार है, चोई देवल गाय करता बोला कछड़े पार्टी अच्छी होनी हमें गलती तरह की स्थिति मिल रही है सरकार चलावन ने। मुझे एक बात बता दो आप, सारा सुनो बाबा पुराना बुजुर्ग आदमी है ना, घर का रहा ना घाट का रहा, 4.5 साल बाद बीजेपी ने बाहर निकाल दिया आपको। नहीं, बीजेपी ने हमारे को सरकार, हमारा कोई प्री इलेक्शन कोई समझौता तो था ही नहीं, स्थाई सरकार देने के लिए शामिल हुए थे। उन्होंने न राज्यसभा टिकट दी, सीट दी, न गुआना ही दी। गलती तो नहीं करती है, साथ दे, गलती तो नहीं करती, गलती करी हमने, दुष्यंत का फैसला था, पार्टी का फैसला था, मैं उसको गलत मानता हूँ, समर्थन नहीं देना चाहिए था बीजेपी को, विपक्ष में रहना चाहिए था, तो विपक्ष में होता तो 24 में डेफिनेटली सीएम बनता। अब उसके हमें टाइम लग जा, 5 साल लग जा, 7 साल लग जा, तो ये भी विधानसभा का जो चुनाव होगा के लागे उसमें जुगाड़ बनेगा। देखिए भाई, एक आधी को नहीं काटांगा, हमारा टारगेट एक है, बीजेपी ने ना 24 में यो मोदी आउट हो, पर्सनल मेरा है वो, बाकी जे जे भी जड़े अपना वो, मेरा पर्सनल ये है। तो ये छोरा सती तो बुंडी कर दी, कौन ही करी बुंडी, लड़ाई लड़ांगा, देवीलाल का खून है यो, देवीलाल का खून है, लड़ाई लड़ांगा, संघर्ष करांगा, और आखिरी सांस तक ये सारा दुष्यंत से तिरांगा, उन सीम बनाई टूटांगा। और लुहारू मैं कॉमरेड रहा हूँ 10 साल, कम्युनिस्ट रहा हूँ, और लुहारू की मिट्टी है, लुहारू का खून है, और लुहारू के खून ने नवाब के छक्के उड़ा दिए थे, तो इस मोदी की क्या औकात है? ठीक है क्यों भाई साहब, क्या होगा जय ओड़ को मिला रहा था ऐसा जी। हाँ, हमारा गठबंधन रहा, उसके बाद दुष्यंत जी एक 38 साल के युवा, सूझबूझ और ईमानदार, और एक इनका राजनीतिक अनुभव चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़े हुए आदमी हैं। उसके बाद समझौता होने के बाद में बीजेपी ने क्या किया कि हमारी जो टिकटों का था, पार्लियामेंट बोर्ड था, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड था, उसमें गठबंधन टूटा, हमने अपना राय अलग चुनी, और हम संघर्ष चौधरी देवीलाल से ही सीखा हमने संघर्ष करना, हम संघर्षवादी आदमी हैं, हम दोबारा से आप 10 की 10 विधानसभा लोकसभा पे इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी को समर्थन देना सबसे बड़ी भूल ऐसा है जी, चौधरी छोटू राम ने एक बात कहा था कि हम राज में रह के ना अपने काम करवा सकते हैं, और अंग्रेजों के साथ में चौधरी छोटू राम ने भी उनके साथ में रह के ना, और किसानों की, गरीब की, मजदूर की अकेले लड़ाई लड़ती है, ताकि आवाज आ रही थी कि भाई दुष्यंत चौटाला ने साथ नहीं दिया, न्यू समझौता करा था, पर लोगों का जनता का काम हो जाए बरकरार का, या इस बात का समझौता करा था बीजेपी के, अच्छा बीजेपी ने मैंने यो धोखा कर दिया, धोखा करे तो हमें तो देवीलाल के बड़े बीजेपी में जाकर इसने गलती करी, जो गलती की सजा इसने मिली, और हल्का उचाणा से हम इसके तेजी हैं, जो काम इसने करे उचाणा में, मतलब चाहे फसल का हो या और काम को, काम करे बढ़िया, लेकिन सबसे बड़ी गलती करी इसने बीजेपी में जाकर। अब तो एक ही ऑप्शन है हरियाणा की जनता के पास, एक ही ऑप्शन है बीजेपी को इन काले अंग्रेजों को बाहर काटने के लिए, इंडिया गठबंधन में आओ, और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, चाहे कोई की को भाई साहब, जो मोदी नहीं बात जी कर लोगों के सबसे पहले कौन आई थी ना, 2014 में कौन आई थी, 19 में भी कौन आई थी, अच्छा ये भी थी के प्रोपेगेंडा कर रामलीला का नाम था, अच्छा जनता समझ गई भाई मोदी नहीं बाजीगर है, अपना कुर्सी खातिर कुछ भी रोल कर सका, क्यों बाजीगर के भी तबाशा करेगा नहीं, वो रोल तो करेगा, अच्छा ये भी थी रोल करे रामलीला का, मतलब योगेश का फैल, क्यों किसानों ने फैल कर दिया, रोल तो बढ़ा नहीं रामलीला का मुद्दा ठावर, जो किसान ने इसका मुद्दा खत्म कर दिया, ये किसान समझ गया भाई यो बाजीगर, कुछ भी जनता का कुछ भी धोखा कर सका कुर्सी खातर, जनता समझ गई इसका रोल खत्म करेगी जनता, जनता तरसा तब दोबारा आओगी, दोबारा जनता, जनता समझ चुकी इसके रोल ने, यो बाजीगर है, बाजीगर कुछ भी अपना डोंग कर सका, डोंग पहले मैंने 2014 में काला दल का इतनी रोल उठाया था, ये प्रोपेगेंडा था, बदनाम करी थी कांग्रेस, कोई काला दल को कब, काला दल तो इतनी करके इसके कितने आदमी बाहर जा रहे देश का पीछा ले गया, अच्छा पहले कितना कर्जा था, ये कितना कर्जा रहा देश के ऊपर, कांग्रेस की टीम इतना कर्जा नहीं था, अच्छा जितने तकड़े व्यापारी कंपनी है उनकी, उनके तो ये लोन, ठीक है भाई साहब, नमस्कार जी, आज की बड़ी रैली है नव संकल्प,
तो नव संकल्प का मतलब क्या समझे? नव संकल्प जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी पीछे लहर बना के 10 सीटें आई थी, वो लहर अब रही नहीं, नहीं अब लहर और ज्यादा आएगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दुष्यंत जी ने जो काम किए थे, लोकसभा के सांसद थे उस टाइम, और अब जो उनके पास विभाग थे, लोगों ने उनकी कार्यशैली देखी है। आम आदमी के दिमाग में अगर वो बैठ के सोच विचार करेगा, एविएशन डिपार्टमेंट में बच्चों को कितना बढ़िया पायलट बनाने लग रहे हैं, पहले था हरियाणा में, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वो ऐसा नेता है हरियाणा में जिसने सुबह से लेकर के रात तक लोगों के बीच में रहा है, लोगों के काम किए हैं, और उसमें विजन है प्रदेश को आगे लेके जाने का। और मैं समझता हूँ अब की बार लोगों ने मन बना लिया, 10 सीट नहीं 15 सीट नहीं पूरी 46 सीट दुष्यंत चौटाला जी को देकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो जेजेपी के वर्कर हैं, आम आदमी है, जो दुष्यंत जी ने काम किए, लोगों में बीच में जाएंगे, लोगों में जो नाराजगी उसको दूर करने का काम करेंगे। लोगों की नाराजगी जेजेपी के वर्करों की नहीं है, आम आदमी की नहीं है, ये प्रोपगेंडा फैला रखा है कांग्रेस पार्टी ने, विरोधियों ने, दुष्यंत जी से पूरे जो विपक्षी हैं, चाहे वो बीजेपी के साथी हो, वो भी डरे हुए हैं, भाई ये मुख्यमंत्री बन गया तो दूसरे का नंबर नहीं है, बस बात ये है। और ये जो आज की रैली है उससे एक बिगुल हो गया है, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बनाने का काम करेंगे। आप इतने हल्के हो कि 2 सीटें मांगी आपने और बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, 74.5 तक आपको अलायंस में रहे, बीजेपी की सरकार चलाई आप लोगों ने, तो सबसे बड़ी भूल नहीं थी वो आपकी? जनता कह रही थी दुष्यंत वोट लेके गया बीजेपी के खिलाफ, और जब ना पार भेजने वाला उनकी गोदी में जाके बैठ गया, नाराजगी ये भी देख लो। नहीं, आम आदमी नहीं कह रहा, कांग्रेस के जो साथी हैं या विपक्षी हैं वो कह रहे हैं, आप प्रदेश हित में हमें जो सीटें मिली थी बीजेपी के साथ गठबंधन करके हमने अच्छे काम किए हैं। कोई भी एक आप बता दो मुला लांबा जी हमने कोई गलत काम किया हो, प्रदेश हित में दुष्यंत जी ने काम किए, तथ्यों के आधार पर उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ राजस्व 6,000 था 11,000 करोड़ पहुँचाने का काम किया है, एविएशन डिपार्टमेंट में कितने अच्छे काम किए हैं, किसानों को हम 10 के 10 सीटें जीतेंगे, कोई भी हमारे नजदीक नहीं है, दुष्यंत के साथ बड़ा खेला हो चुका है, नए सिरे से अपना घर बसाना पड़ रहा है साहब, आप तो बेआबरू होके अपने गली कूचे से निकले। नहीं, बेआबरू की क्या बात है, राजनीति 2 सीट के काबिल नहीं हो आप, 2 सीट के काबिल नहीं है हम, 10 सीट के काबिल है। हमें ये था कि हमने गठबंधन धर्म निभाना है, 2 सीट मिल जाएंगी कोई बात नहीं ठीक है, परंतु बीजेपी को ये मंजूर नहीं था। बीजेपी को पता चल जाएगा जो सच्चाई है, बीजेपी और जो ये बड़ी पार्टियां हैं इनके जो दिल में एक बैम हो रहा है कि भाई हम कर सकते हैं परिवर्तन, और युवा दुष्यंत जी के साथ हैं। चलो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे 2-3 सीटों पर? चुनाव हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे, और ये हमारा टारगेट सिर्फ हरियाणा नहीं है, हम राजस्थान में भी इलेक्शन लड़के आए थे, हमारा टारगेट हिंदुस्तान में जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल जी थे ना, उस प्रकार से हमें राजनीति करनी है, हम दुष्यंत जी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल कह रहे, सही है जी बात है, हाँ बहुत बढ़िया नेता है, एक हाँ जी। दुष्यंत को लेके आज अजय चौटाला का जन्मदिन है, केक कटेगा थोड़ी देर में, और बीजेपी ने तो आपका केक काट दिया, आज उनके काट दिया, लेकिन ये भावी नेता बनेगा, हाँ। और देश का बना दिया बीजेपी ने, देश का को, हाँ देश को प्रधानमंत्री बाहर का रास्ता दिखा दिया, जनता के पास जाएंगे हम, और जो 5 MLA गौतमबर के बाजे हैं, जो ग्राम सियाकबर के बाजे हैं, उनको तो जनता गम में नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वो जेजेपी के वोट से बने थे, न कि वो गद्दारों ने इसकी काटनी शुरू कर दी थी। दुष्यंत चौटाला की खासियत बता दूं आप, क्या है? ईमानदार नेता, सही नेता है, लोगों को ये उबरते हुए को उबरता हुआ सितारा, उसको सबको कुत्ते भोंकने लगते हैं, जैसे ये सब ये जो बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, ये जो बाजोड़े हमारे गलती चौटाला साहब ने कर दी, दुष्यंत ने, जो ये जोगीराम और बरगे जो आए गए थे उनको टिकट नहीं देनी थी, ये गलती कर दी, नहीं तो नेता ये मुख्यमंत्री अब की बार आ जाता, अब 2029 में जरूर आएगा, अब की बार 20-25 सीट फिर लेके आएंगे, हाँ क्यों जी। चलो हमारे साथ यहाँ बाबा आप भी बता दीजिए, चुपचाप खड़े हैं, क्या लग रहा है आपकी? बस बहुत बढ़िया है, लांबा साहब मेरी राय जरूर दिए, और को एक और बताऊं, और गौतम तो वो आदमी था जो 2005 में 2 MLA बने थे भाजपा के, नरेश मलिक और गौतम अपने लालच में भाज गया, वो किस पर ब्लेम लगा रहा है, वो अपने स्वार्थ में भाज गया, और नरेश मलिक था जो संघर्ष से बनाया था उस टाइम में 2005 में, क्यों नए हल्के नहीं बने थे,
वो तो भाजपा में रहा, अरे वो भाजपा में बात गाजी कहता मैं पुराना भाजपा हूँ, और फिर उड्डा के लड्डू खा के और फिर आजाद उम्मीदवार खड़ा हो गया और अब की फिर जेजेपी में बन गया। सबसे धोखा दिया है, ये शुरू से ही गलत बोलने लगा था। हाँ ये गलती हुई है दुष्यंत चौटाला से, जो अपने कार्यकर्ता जो कैडर के आदमी को टिकट नहीं देना वो सबसे भूल थी। वहाँ सबसे अच्छा सटीक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था जी। थैंक यू सर बातचीत के लिए। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागे भाग हो रहे हो, नव संकल्प रैली है, अजय चौटाला का जन्मदिन है, तो साहब नया घर बसाया है, नए घर में प्रवेश है, पुराना घर छोड़ के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पुराना घर का है बीजेपी के साथ, हमारा अपना घर था, आपस में संबंध बना के एक साझा परिवार। प्रदेश की जनता को जरूरत थी उस टाइम, मैंडेट कम था दुष्यंत चौटाला का, उस टाइम भी प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला के साथ थी, लेकिन उन्होंने 10 सीट दी प्रदेश की जनता ने, तो उसमें एक ही चीज़ थी वो जनता की राय लेकर के, और ये कि प्रदेश के विधायक भी नहीं रोक सके, 5 विधायक तो बीजेपी ने पहले ही तोड़ लिया आपको, ये भी आपकी गलती रही है क्या? कहाँ गए? क्यों नहीं? गौतम जैसे एक वो सुर क्या नाम है सुरजीत, क्या 5 विधायक आए नहीं आपकी सभा में, वो बीजेपी के साथ परिवार में देवेंद्र बबली है परिवार में, दुष्यंत चौटाला ने गलती नहीं थी बाहर के लोगों को टिकट दे के यहाँ विधायक बनाना, परिवार में परिवार के लोग हैं विधायक भी, और कोई बात नहीं होती तो गर्म में गिले सिक भी होते हैं, कोई बात नहीं। के परिवार के लोग टूट के क्यों नहीं आते कभी? नहीं आ रहे, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, विधायक कोई नहीं आता जो सेटिंग में, जब वक्त आएगा ना, अभी अभी वक्त नहीं है, वक्त आएगा। जैसे इस प्रकार से प्रदेश की जनता ने देखा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, तो इसका लोग सिला देंगे इस चीज़ को। बड़ी भूल थी क्या आपकी? नहीं नहीं भूल, बीजेपी के साथ ना 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 भूल नहीं थी, ये तो एक नेता एक ये तो औपचारिक गठबंधन था, और उस समय की जरूरत थी प्रदेश के विकास के लिए, स्थायी सरकार चलाने के लिए, क्योंकि जनता ने मैंडेट इस प्रकार का दिया, किसी भी पार्टी का पूरा बहुमत नहीं था, तो साथ मिलकर सरकार चलाई और प्रदेश के। आपको लगता है उस समय आप साथ नहीं देते बीजेपी पार्टी का, आज आप फुल बहुमत से सत्ता में आ सकते थे और सीएम बन सकते थे? भविष्य का आज भी हमारे को नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी ने इन 4.5 साल में साबित करके दिखाया है प्रदेश की जनता को, धैर्यवान मेहनती और हर विषय के लिए सुसज्जित और पूरा विद्वान, उन्होंने एक दिखा दिया कि सरकार चला सकते हैं अच्छे तरीके से, अपने आप को साबित करके दिखा दिया और प्रदेश की जनता में विश्वास पैदा कर दिया कि दुष्यंत चौटाला आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, और इनकी लंबी राजनीति है। आज प्रदेश का युवा, प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला को चाहती है, दिल से चाहती है, और जो धोखा करते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। क्या अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके नया घर बसाया है, तो किस तरीके से पब्लिक में जाएं, किस तरीके से लोकसभा में 1-2 सीटें निकालें आप? नया घर बसाएंगे, बढ़िया तरीके बसाएंगे, और नया घर क्या था, पूरा जोर लावेंगे, जनता साथ है, अपने वर्करों के वर्कर साथ है, बड़ा हौसला है वर्करों में। चलो आज ये पूरा यहाँ पे आप पूरे जो भी फैसला पार्टी लेगी यहाँ पे, हम असंध से आए हैं, मैं हल्का प्रधान असंध जननायक जनता पार्टी, पूर्व मंडी प्रधान भी रहा हूँ, तो संदेशा मिला, ये लोकसभा की रैली थी हमारी पहले निश्चित, लेकिन आज क्या था, जो मुख्य जो साथी हैं प्रदेश के, सबके सामने सारी बातें सुनाएंगे, और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनका जन्मदिन भी बड़ी खुशी से मनाएंगे, और दुष्यंत चौटाला जी जो भी फैसला लेंगे सारा सिर माथे और बढ़िया तरीके से सरकार ले। तो हमारे साथ ये दुष्यंत चौटाला के कार्यकर्ता खास बातचीत बने हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंसूर लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।